नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। 12th बोर्ड गुजरात बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं 20 में या उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात रही एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बीकॉम कोर्स के लिए, बीए कोर्स के लिए, बीएससी कोर्स के लिए, बीबीए के कोर्स के लिए या फिर बीसीए के कोर्स के लिए, बीए एलएलबी कोर्स के लिए, तो इन सभी कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहेगी, वो भी जीकास की वेबसाइट पर। जीकास की वेबसाइट का फुल फॉर्म है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। जीकास आप गूगल पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। मैं आप सभी को बता दूँ कि जीकास पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो फिलहाल जो है प्रोफाइल क्रिएशन चालू है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो लेकिन खाली आपकी प्रोफाइल वहाँ पर बनेगी। लेकिन एक्चुअल में जो मेन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन में, जब मेन वर्क करना है वो स्टार्ट होगा 16 मई से। 16 मई से जो जीकास का पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को 16 मई से जो आपकी मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी स्कूल से, और स्कूल की LC अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको 16 मई को अपलोड कर देने रहेंगे। 16 मई से करीबन ये 30 मई तक जो वेबसाइट है वो चलेगी। 16 मई स्टार्टिंग डेट डिक्लेयर की गई है लेकिन एंड की कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीबन टू वीक का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पेमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं 30 मई तक जो वेबसाइट है वो चालू रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीए एलएलबी, उन सभी को जीकास की वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि 16 मई से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी और उसके अंदर आपको आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना रहेगा और 300 रुपीज़ जो फीस पेमेंट है एप्लीकेशन फीस पेमेंट जीकास की वेबसाइट के लिए वो आपको 16 मई से पेमेंट करना रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जो नोटिस थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो गर्मी है कहीं ना कहीं वो भी बहुत है और फिलहाल यूनिवर्सिटी में जो वैकेशन है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क जो है वो भी कहीं ना कहीं क्लोज रहेंगे। तो अभी आप फिलहाल एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस में ना आएँ। 16 मई से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हो, आप उसका सपोर्ट ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो मेन प्रोसेस है वो 16 मई से स्टार्ट होगी और 16 मई से आपको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे और आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करनी रहेगी और आपका कोर्स आपको सिलेक्ट करना रहेगा। 16 मई के बाद जब तक ये प्रोसेस चलेगी रजिस्ट्रेशन की, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोसेस कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड का भी जो रिजल्ट है शायद उस समय पर आ जाएगा तो वो लोग भी कर सकेंगे स्टूडेंट्स, उनको भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जब वेबसाइट है क्लोज हो जाएगी उसके 2 वीक बाद जो है मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ की एक जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी बीकॉम, बीए और बीएससी के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की डेट डिक्लेयर की जाएगी, तो उनको उस डेट पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आना होगा। तो फिलहाल ये थी अपडेट, आप जरा भी चिंता ना करें। फिलहाल मैं आप सभी को एक ही मैसेज दूंगा कि कॉल और मैसेज बन सके आप उतना कम करें। मैं वीडियो इसीलिए बार बार शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हों, सभी कन्फ्यूजन आपके क्लियर हों। जो भी कन्फ्यूजन और इश्यूज हैं आप यूट्यूब के चैनल बॉक्स में कमेंट करना, सभी का जो कॉमन जो होगा इशू उस पर हम क्वेरी को हम उसको रिजॉल्व करेंगे और जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे। इतना काम आपको करना है। तो ये था अपडेट अभी तक का, और 16 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब से आपको प्रोसेस करनी है। फिलहाल आपको करीबन 5 से 6 दिन वेट करना है। नमस्कार।